Ankur Sharma. I am from Karnal, Haryana. I recently completed my graduation from Guru Nanak Khalsa College, Karnal. मेरे बचपन से डांस में मेरा बहुत ही इंटरेस्ट था. मैंने काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया. कुछ में मैं जीता, कुछ में नहीं जीता तो कोई नहीं, बट मुझे बहुत सारे कॉम्पिटिशन से कुछ कुछ सीखने को मिला. फिलहाल मैं अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं अपने डांस को नेशनल लेवल पे, टीवी पे, इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म करके दिखाऊँ. बचपन में मेरे साथ ऐसा था कि मैं ना डांस करता था, जहाँ पे कहीं म्यूज़िक बजा या कहीं शादी हो रही है तो मैं वहाँ पहुँच जाता था. तो मेरे घर वाले मुझे ढूंढते थे कि कहाँ है, घर में तो मिल नहीं रहा वो, तो वो ढूंढ ढूंढ देखते कि हाँ जहाँ पे म्यूजिक है वहाँ चले जाते थे. तो मैं उनको मिलता था उसी प्लेस पे, तो फिर मुझे मारते हो कैसे कैसे घर तो लेकर आ जाते थे. फिर उनको लगा कि हाँ इसका डांस में इंटरेस्ट है. देन उन्होंने मुझे डांस स्टूडियो में डाला, मैंने प्रैक्टिस करनी शुरू करी. डेट टाइम मैं काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन में विन कर चुका हूँ, नेशनल तक परफॉर्म कर चुका हूँ, और प्रैक्टिस करूँ अपनी और होप सो जल्दी आपको किस में कितना एकदम टीवी चैनल के शो पर मिलूँगा. वैसे तो मेरी बहुत सारी हॉबीज़ है, स्विमिंग, स्केटिंग, डांसिंग, बट मेरा डांसिंग में मेनली इंटरेस्ट रहा है. मैं डेट टाइम फ्री स्टाइल, हिप हॉप और वेस्टर्न डांस करता हूँ, ठीक है. मेरा पर्सनली इंटरेस्ट लिरिकल डांस में है. हेलो, मेरा नाम सोनिया शर्मा है, मैं निर्भय शर्मा की मम्मी हूँ. मेरे बेटे का बचपन से ही डांस में बहुत इंटरेस्ट था. कहीं पे भी फंक्शन में जाना, मैरिज में जाना, हमें पता भी नहीं होता था ये कब डीजे पे चढ़ के अपने आप डांस स्टार्ट कर देता था. और बिल्कुल बचपन में 3-4 साल से इसने डांस स्टार्ट कर दिया है. और इसका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट डांस में था. म्यूज़िक चलाओ, कहीं पर भी म्यूज़िक चलाओ, घर में टीवी चलाओ, और ये छोटे से ही अपने आप एक्शन करने लग जाता था और डांस करता रहता था. कहीं पे भी, कहीं जाना फंक्शन में, कहीं पे भी, तो बहुत डांस किया इसने. और हमने इसका इंटरेस्ट देखा डांस में है तो हमने इसको फुल सपोर्ट किया, एकेडमी में भेजा, कहीं पे भी ट्रेनिंग के लिए इसने कहा तो हमने इसको ट्रेनिंग दिलवाई और आज ये इस लेवल पे पहुंच गया है. मैं निर्भय को बेस्ट विशेस करती हूँ कि ये आगे ज़िंदगी में और तरक्की करे, अपना नाम रोशन करे, हमारा नाम रोशन करे, हमारे करनाल का नाम रोशन करे. छोटा भाई बट बहुत बड़े भाई की तरह बिहेव करता है, जहाँ मुझे जाना है मुझे सपोर्ट करता है. डांस में मेरा इंटरेस्ट भी है, उसका इंटरेस्ट भी है, तो हम दोनों साथ में जहाँ जा सकते हैं जाते हैं. उसका ज़्यादा इंटरेस्ट डांस में रहा, उसको हमने डांस की तरफ सपोर्ट किया है. किसी भी फंक्शन में हमने जाना है, इसने डांस करने, हर पर्सन ने इसकी तारीफ करनी है, पर्सनली मीट करेंगे हमसे. हमारा कोई भी मेरा कॉम्पिटिशन कॉलेज में रहा है, स्कूल लेवल पर रहा है, इनफैक्ट मुझे ट्रेन भी सिर्फ यही करता है, मुझे बाहर से ट्रेनिंग लेने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी. मेरा जो भी स्टेट लेवल का डांस था या कॉलेज लेवल पे जितने डांस रहे हैं, जितना मैंने विन किया है अपने कॉम्पिटिशन्स, सभी इसी की बदौलत है. इसने मुझे उसमें ट्रेन किया है, रात को 2-2, 3-3 बजे तक बैठ के मुझे इसने डांस सिखाया है. तो बहुत अच्छा लगता है जब कोई मुझे इसके बारे में बोलता है कि आपका भाई बहुत अच्छा डांस करता है, तो एक प्राउड फील होता है कि हाँ बेशक छोटा भाई है लेकिन मुझे इतना बड़ा फील करा रहा है. तो थैंक यू सो मच. और मुझे लगता है कि ये बहुत आगे जाएगा इसी लेवल पे, इसी स्ट्रीम में बहुत आगे बढ़ेगा, और जो अपना कंपटीशन है ये इसमें ग्रैंड फिनाले में विन करे. नमस्कार, मैं अश्विनी शर्मा, निर्भय का फादर हूँ. तो निर्भय शुरू से ही इस चीज़ में इंटरेस्टेड रहा डांस के अंदर. ये जो 2-3 साल का था, 2-3 साल में जब भी हमने गली में बैंड बजे या ढोल कहीं भी जैसे होता फंक्शन होता था, ये वहाँ पे जाके उछल कूद किया करता, नाचता था, ये हमारा मतलब डांस करता था. बोली हमें जब भी ढूंढना पड़े उसको वहीं से ढूंढा करते थे. हाँ एक बार हुआ ऐसे, जब ये थोड़ा सा ज़्यादा शरारते भी लग गए जब करने, तो मैंने भी एक हाथ मेरा भारी है, मैंने एक ही इसको लगाया था बस. उसके बाद डर लगता कुछ कपड़े आपसे कहीं कुछ ज़्यादा लग ना जाए, वो लग ही जा रहा था. बस ये है कि ये जो इतने इसने भी ये सर्टिफिकेट हुआ तो ये हमें, और कई इसने मेडल्स वगैरह भी लिए हैं. ये आपके बड़ी माध्यम से बस ये है कि इसने अकेडमी भी इसने खोल रखी है अपनी 7th में. बाकी तो ये इंटरेस्टेड इसी चीज़ में है डांस वगैरह में. ये डांस के मतलब डांस तो कह रहे से हमारे खून में ही है, क्योंकि मैं भी मेरा छोटा ब्रदर था वो भी डांस किया करता था, मैं भी करता था. ये बस समझो कि ये तो हमारे दोनों घर में ही था ऐसे ही,
और आज भी, आज की डेट में मेरी एज मेरी 50 ईयर्स है, आज भी हम ब्याह शादी फंक्शन में हमें कभी ये नहीं रिलेशन ऐसा नहीं हुआ कि ये मेरे बच्चे हैं, गुड़िया मेरी, बेटा मेरा, वाइफ मेरी, हम तो मेरे आज भी वैसे भी हम दोस्तों की तरह ही आज भी डांस मतलब करते हैं। आपके साथ शेयर करूंगी उसके डांस के रिलेटेड। फर्स्ट वन ये इसकी सबसे पहला डांस परफॉर्मेंस था एज अ स्कूल बेस पे, फॉरनर बना था, इसने UKG क्लास से ही डांस स्टार्ट कर दिया था स्कूल में, और इसमें भी इसने प्राइज विन किया था। तो बचपन से ही जीतता आ रहा है, इसको आदत जीतने की लगी तो अब भी जीतेगा ही। ये है इसके 2 साल पहले कॉलेज में इसने टैलेंट शो में लिरिकल डांस परफॉर्म किया था, तो उसमें भी फर्स्ट आया था, ये उसमें इसने विन किया था। बहुत सी ऐसे पिक्स हैं जो भी ऑन द स्पॉट मिल नहीं पाई, सॉफ्ट कॉपी रहेंगी। एक ये मेरे बेस्ट भाई के लिए था, ये इसने बनवाया, इसके लिए बनवाया गया था, तो काफ़ी अच्छा भाई है, सबको पसंद है अपना भाई, तो मेरे लिए मेरा बेस्ट ब्रदर है। साहिल है। हेलो, मेरा नाम अभिषेक है, और लाइक हम निर्भय के दोस्त हैं, और हमें लगभग 10 से 11 साल हो गए एक साथ हम तीनों को, और हमने काफ़ी सारी मूवमेंट्स हमने एंजॉय करे अपनी लाइफ में। हम मतलब काफ़ी मतलब बचपन से काफ़ी सारे आपस में हर मतलब कोई भी प्रोग्राम होता, फंक्शन होता है, कोई पार्टी होती है, हम शुरू से काफ़ी साथ रहे हैं। इवन हम जब बचपन जैसे निर्भय से मिले तो शुरू से काफ़ी इसका डांस में काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट रहा है निर्भय का, यहाँ तक कि जैसे कभी कोई फंक्शन होता हम साथ में जाया करते हैं इकट्ठे निर्भय साथ ही देखने के लिए कि निर्भय की परफॉर्मेंस क्या रहेगी, कैसा करेगा, हम उसके वीडियो शूट्स करते हैं, मज़ा आता है हमें देखने में भी, बिकॉज वो डांस काफ़ी शुरू से काफ़ी अच्छा करता, हमें भी काफ़ी अच्छा फील होता था कि चलो हमारे ग्रुप में कम से कम कोई तो है जो एक अलग निकल रहा है, आउट ऑफ द बॉक्स निकल रहा है बंदा कोई टैलेंट में।
तो अब रिसेंटली हमने देखा जैसे हम भी जैसे इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, देखते हैं निर्भय कभी भी कोई पोज डाले उसकी मोस्टली डांस की ही होती हैं। हम कहीं भी जाते हैं मेन घूमने फिरने पार्टी करने, तो आप एक अपना एक काम होता है निर्भय का, अपना माहौल बनाता है हमारा। तो हमारी दोस्ती कुछ ऐसी है तीनों की, हम कहीं भी घूमते फिरते इकट्ठे रहते हैं हर टाइम मोस्टली, कभी आज रात को जरूरत पड़ जाए किसी की हम एक दूसरे के लिए अवेलेबल रहते हैं। हमारा बहुत अच्छा भाईचारा है शुरू से। कहेंगे भाई इस कॉम्पिटिशन में जा रहा है आगे तक जाए, कॉम्पिटिशन में जीते भी, सो निर्भय ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, ब्लेस यू, आगे जीत के आए, जीत के आए भाई, हमारा भाई है तू। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स करना चाहूँगा अपनी फैमिली का, अपने फ्रेंड्स का, अपने रिलेटिव्स का और अपने उन सभी लवर्स का जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मुझे डांस में आगे लेके आए, जो मुझे हर टाइम सपोर्ट करते रहे, मेरे साथ बैकग्राउंड मेरे पीछे खड़े रहे, मेरे फ्रेंड्स हो गए, सभी का थैंक यू, धन्यवाद, तहे दिल से थैंक यू।
Myself is Ish Arora. I am running non-stop dance and fitness studio. Basically, हम बच्चों को एक regular basis पर यहाँ dance की सारा उसके accordingly उनको बताया जाता है. And Nirbhay Sharma, Nirbhay boy is working as a choreographer with us. And he's a nice guy. Under his guidance, most of girls and boys learn dancing. Starting from the basic steps, he's doing good in this career, this studio. Nirbhay is a good boy and I wish him success in life. My name is Gaurav. I'm a staff of Oxygen Fitness and Spa. We are so excited. हमारे जिम के जो aerobics trainer हैं Mr. Nirbhay, वो अपना एक शो है KKHD, उसके लिए सिलेक्ट हुए हैं. हम सबकी बेस्ट विशेस उन्हीं के साथ हैं और ऑल द बेस्ट. के 3 rounds क्लियर करे. दैट टाइम मैं ग्रैंड फिनाले में सिलेक्टेड हो चुका हूँ. अब मुझे उम्मीद है कि मैं ग्रैंड फिनाले विन करूँगा और अपने पेरेंट्स का, अपने फैमिली वाले का, अपने करनाल हरियाणा का नाम रोशन करूँगा.